लास्ट टॉपिक हमने क्या चलाया था, और हम कह सकते हैं वेव नेचर ऑफ मैटर, वेव नेचर ऑफ मैटर। मैंने बताया था कि जिस तरीके से आइंस्टीन ने कहा, प्लैंक्स ने कहा कि हर एक रेडिएशन को मैं पार्टिकल मान सकता हूं, तो डी ब्रोगली ने सोचा कि इस नेचर में तो बहुत बड़ी सिमेट्री है, अगर आप हर एक रेडिएशन को एक पार्टिकल मान सकते हो तो इसका मतलब हर एक पार्टिकल को आप वेव की तरह ट्रीट कर सकते हो। और उसने कहा अगर किसी पार्टिकल की मोमेंटम पी है तो उसको मैं एक वेव से रिप्लेस कर सकता हूं, जिस वेव की जो वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी बेटा, एच बाई पी होगी। हम उसी डिस्कशन पे चल रहे थे और वही चर्चा कर रहे हैं। सिर्फ सिंपल मैं बात करता हूं डी ब्रोगली ने क्या कहा इन 1923। आप 5 मिनट ये मैं रिकैप दे रहा हूं इसका। डी ब्रोगली ने कहा कि अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है, दिस इज अ पार्टिकल हैविंग मास m, m मास है, मूविंग विद वेलोसिटी v, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और हम कह सकते हैं इसके अंदर मोमेंटम p है। मोमेंटम मतलब बेटा मास इनटू वेलोसिटी। मैंने कहा था मैं वेलोसिटी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा और पोटेंशियल को मैं इस तरीके, जस्ट ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो जाओ बेटा। तो इस एक पार्टिकल को मैं ट्रीट कर सकता हूं एक वेव की तरह। हालांकि ये जो वेव बनाऊंगा ऐसी वेव नहीं बनती है, आज आपको बताऊंगा मैं, उस वेव को हम मैटर वेव कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे वेव समझ सकते हैं जिस वेव की जो वेवलेंथ है वो कितना होगा, एच बाई पी रहेगा। जिस वेव की वेवलेंथ जो रहेगी वो एच बाई पी रहेगी, पी इज द मोमेंटम। पी यहां पर क्या बेटा, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। ये बात कही गई बेटा डी ब्रोगली द्वारा। अब इतनी डी ब्रोगली ने बात कह के छोड़ दी, उसके बाद जो है अलग अलग साइंटिस्ट आए, अलग अलग क्वेश्चंस का लेवल बढ़ने लगा और इस वेवलेंथ के फार्मूले में बहुत बदलाव आने लगे। उस सारे फॉर्मूले में क्या क्या बदलाव आते हैं, क्या क्या है, उनके बारे में हम बातें कर रहे थे लास्ट क्लास। तो मैंने कहा कि हम दो केसेस पर बात करते हैं। केस नंबर वन जिसको मैंने बताया नॉन रिलेटिविस्टिक केस, नॉन रिलेटिविस्टिक केस। नॉन रिलेटिविस्टिक केस मतलब पार्टिकल की जो वेलोसिटी रहेगी बेटा वो छोटी रहेगी किसके कंपैरिजन में, सी स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में। अगर ऐसा रहे तो उस केस को हम नॉन रिलेटिविस्टिक केस कहते हैं। अगर हमारे पास एक नॉन रिलेटिविस्टिक केस है तो इसी मोमेंटम का फार्मूला, इसी फॉर्मूले को जो मैंने लैम्डा कहा है एच बाई पी, तो बेटा ये जो p है इसको मैं लिख सकता हूं मास इनटू वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला आ जाता है बेटा इन टर्म ऑफ, क्या बताया था बेटा मैंने बताना, वेलोसिटी कह सकते हो एंड मास कह सकते हो, ठीक है, या फिर बेटा मोमेंटम भी कह सकते हो। क्लियर, ये मेरा पहला फॉर्मूला बेटा आया। उसके बाद मैंने कहा कि बेटा इसकी दूसरी फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है। क्या, हम अच्छी तरीके से जानते हैं हमारे प्रीवियस क्लास में कि काइनेटिक एनर्जी हमारी होती है पी स्क्वायर बाय 2m, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। तो इस एक्सप्रेशन से बेटा अगर मैं मोमेंटम निकालना चाहूं तो मोमेंटम हो जाएगा अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, ये मोमेंटम का सुंदर फार्मूला हो जाएगा। इसका मतलब, इसका अर्थ क्या निकलता है कि आप लैम्डा को लिख सकते हो h अपॉन मोमेंटम इज अंडर द रूट 2m एंड बेटा काइनेटिक एनर्जी। तो ये एक और फॉर्मूला बन गया किसकी टर्म में बेटा, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में ये एक और फॉर्मूला बेटा आपका वेवलेंथ का आ चुका। अब क्वेश्चंस करवाऊंगा उसमें आपको पहचानना है कि सर कौन सा फार्मूला हम कब लगाएं, ये आपको पहचानना, इसीलिए पहले मैं आपके टाइप लिखवा देता हूं फिर मैं क्वेश्चंस की करवाना आपको स्टार्ट करवाऊंगा। तो एक दूसरा टाइप, और सर एक अंडर रूट 2m qe v भी होता है ना,
मैं आ रहा हूं बेटा उस पर भी। तो ये दो फॉर्मूले आपके मैंने बताया। अब मैं तीसरे फॉर्मूले की तरफ प्रोसीड करता हूं। थोड़ा सा और इस फॉर्मूले में बदलाव किया गया। ये कहा गया कि काइनेटिक एनर्जी कैसे आती है किसी पार्टिकल, किसी पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी आती है अगर आप उसको कुछ पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो। पोटेंशियल के कारण, दिस इज द पोटेंशियल, पोटेंशियल के कारण बेटा काइनेटिक एनर्जी आती है। दिस इज द पोटेंशियल। यहां मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एनर्जी आई वो इस पोटेंशियल की वजह से आई। तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो होता है, या किसी भी चार्ज पार्टिकल का कहूं, तो वो चार्ज इंटू द पोटेंशियल, चार्ज इंटू द पोटेंशियल। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा तो मैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दूंगा, अगर यहाँ कभी प्रोटॉन आएगा तो मैं प्रोटॉन का चार्ज रख दूंगा। जिसकी भी मर्जी हो आप कर सकते हो। प्रोटॉन तो एक्चुअली हो नहीं सकता क्योंकि तो प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन है ना बेटा, ई या फिर माइनस। So, आपका वही एक्सप्रेशन लैम्डा का क्या बन जाएगा बेटा, एच अपॉन अंडर द रूट 2m एंड द एक्सप्रेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी क्यू इन टू द पोटेंशियल। सो दिस इज अवर नेक्स्ट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला किसके क्रम में आया बेटा, इतना काम मैं लास्ट क्लास में करवा चुका था। इन टर्म ऑफ पोटेंशियल, ये फॉर्मूला पोटेंशियल की क्रम में आपने निकाला। अब बेटा मैं और कुछ आगे चलता हूं। मैंने कहा कि ये तो दुनिया ने निकाल दिया, फिर हमने क्या किया, हमने कुछ और काम किया इस पर। क्या काम किया देखते हैं। हमने ये काम किया कि इन फ्यूचर कभी क्वेश्चन आता है तो मैं एक जर्नल सा फॉर्मूला बना लेता हूं। अगर क्वेश्चन ये आता है, ए नॉन रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन, सुनना बेटा क्वेश्चन को, ए नॉन रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट बाय ए पोटेंशियल वी, फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपको निकाल, एक नॉन रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन, देखो बेटा रिलेटिविस्टिक नहीं है। रिलेटिविस्टिक केस में सारे फॉर्मूले तब्दील हो जाएंगे, वो मैं केस अभी करवाऊंगा आप, लेकिन ये केस है बेटा सिर्फ और सिर्फ किसका, नॉन रिलेटिविस्टिक। तो यही फॉर्मूला देखना, लैम्डा एच की वैल्यू बेटा 6.6 × 10⁻⁴ −34 × 2। ये काम मैं करवा चुका था लेकिन मैंने सोचा जिस दिन जल्दी हो गया था थोड़ा सा टाइम दे के करवाएं। मास इज 9.1 × 10⁻³ −31। ये याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ −31 kg, ठीक है बेटा। और दूसरा चार्ज क्यू इलेक्ट्रॉन के पास 1.6 × 10⁻⁹ और बेटा गिवन पोटेंशियल हमें पता नहीं, तो वी के टर्म में हम आंसर को निकालते हैं। तो ये सॉल्यूशन करने के पश्चात आपका रिजल्ट आता है 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन अंडर द रूट वी, ठीक है बेटा। ये आपका फॉर्मूला आता है। इन फ्यूचर जब ये क्वेश्चन आएगा और पोटेंशियल भी लिखा आएगा, तो जस्ट द पुट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एंड गेट द रिजल्ट। बेटा ये अंडर रूट मत समझ लेना, दिस इज द वी, दैट इज द पोटेंशियल। बेटा ये अंडर रूट मत समझ लेना, कभी अंडर रूट समझ लो, दिस इज द पोटेंशियल, है ना। ये आपका पोटेंशियल है बेटा, दिस इज द पोटेंशियल। ओके, नाउ इसी का बेटा एक फॉर्मूला और भी निकाल के दिया मैंने, अंडर द रूट 150 बटे वी, और ये भी आंसर एंगस्ट्रॉम। तो ये बहुत खूबसूरत दो आंसर आपने निकाल दिए बेटा। इन फ्यूचर हम इन फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। एक ब्रैकेट में मैंने जो वर्क कर दिया, ये एक अपने आप में एक बहुत खूबसूरत फॉर्मूला है लैम्डा का। आई थिंक बेटा आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। मैं आगे प्रोसीड करता हूं, आगे चलू बेटा।
यस सर। अब बेटा एक फॉर्मूला और, इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे दे देता कि ए नॉन रिलेटिविस्टिक रिलेटिविस्टिक प्रोटॉन एक्सेलरेट बाय ए पोटेंशियल वी, पोटेंशियल वी, फाइंड द लैम्डा डी ब्रोकली, ये निकालना है। तो अगेन द फॉर्मूला विल बी सेम, लैम्डा द 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 अपॉन अंडर द रूट 2, द मास ऑफ द प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 27, प्रोटॉन जो है वो 1836 टाइम इलेक्ट्रॉन से भारी होता है, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है 1836 गुना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो हालांकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको याद भी है, इसको 1836 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन का मास आ जाता है, लेकिन वैसे भी जनरल याद रखेंगे 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 27। चार्ज बेटा जो इलेक्ट्रॉन पर होता है वही प्रोटॉन पर होता है, सेम चार्ज इनटू द पोटेंशियल। तो ये एक्सप्रेशन जो सोल्व होकर आता है तो 0.287 एंगस्ट्रॉन अंडर द रूट पोटेंशियल, ये आपका बेटा क्या निकल के आता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकल के आता है। तो ये दो फॉर्मूले बेटा मैंने आपको दिखाए जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ से रिलेटेड थे। बेटा ये सारा का सारा केस मैंने करवाया जो आपको अभी अभी, ये नॉन रिलेटिविस्टिक केस था जब पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में कम। अब मैं बात करवाता हूं रिलेटिविस्टिक का, फिर मैं ये बताऊंगा कि इस फॉर्मूले का महत्व क्या है, ठीक है बेटा। तो आगे चले बताओ, यहां तक नोट हो गया सभी का? यस सर। ओके, अब मैं केस नंबर 2 की तरफ प्रोसीड कर रहा हूं। फॉर रिलेटिविस्टिक केस, बेटा रिलेटिविस्टिक कभी भी आ जाए तो जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है इज कंपेरेबल टू सी, बेटा नियरली इक्वल मत लिखो, कंपेरेबल टू सी। कंपेरेबल का अर्थ क्या निकलता है बेटा, कि कभी ऐसा का वेलोसिटी c/2 है, कभी c/4 कह दी, कभी c/8 कह दी, तो ये सारी की सारी बेटा कंपेरेबल हैं, है ना। क्योंकि देखो पावर, देखो 10 रेज टू पावर 8, सारों में पावर आपको सेम मिलेगी, तो ये कंपेरेबल की बात आ जाती है। अब मैं और आगे चलता हूं, तो इस केस में बेटा फॉर्मूले बदल जाएंगे। फॉर्मूले कैसे बदलेंगे उन पर हम विचार करते हैं, देखते हैं बेटा। बेटा हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है लैम्डा डी ब्रॉगली का, वो फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं होता, दैट इज द एच बाई द मोमेंटम पी, इज द मोमेंटम। ये फॉर्मूला जिंदगी में कभी बदल ही नहीं सकता, बदलेगा क्या, इसके आगे का रूप बदलेगा। अब हम जानते हैं फॉर रिलेटिविस्टिक केस, हम एक बात जानते हैं, जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, अंडर द रूट p²c² + m₀² c^4। बेटा शायद ये फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लासेस में भी आपको बताया था कि जो टोटल एनर्जी होती है वो p²c² + m₀² आपकी होती है, क्लियर बेटा। नाउ टोटल एनर्जी एक चीज और भी होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी प्लस में रेस्ट मास एनर्जी, ये दोनों एक्सप्रेशन आपके टोटल एनर्जी के। अब बेटा आप एक चीज और भी जानते हो, वी आल्सो नो दैट
कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है हमने पढ़ा था अभी अभी, वो Q इंटू द पोटेंशियल होती है। Q इंटू क्या होती है बेटा? पोटेंशियल होती। और हमें एक बात और भी पता है कि जो रेस्ट मास एनर्जी होती है वो कितनी होती है बेटा? M नॉट C स्क्वायर। तो इन दोनों के रिजल्ट्स को हम पुट करते हैं, दिस इंप्लाइज अंडर द रूट P square C square M naught square C की पावर 4 is equal to kinetic energy that is the Q into V plus rest mass M naught C square। दोनों साइड बेटा मैं स्केयरिंग करता हूं तो इधर तो बचेगा P square C square plus M naught square C की पावर 4 और इधर बचेगा QV plus M naught C square का होल स्केयर। मैं और आगे चलता हूं तो P square C square plus M naught square C की पावर 4 Q square the potential V square M naught square C की पावर 4 plus twice of Q V M naught C square। आई थिंक आपका एक्सप्रेशन इतना बन जाएगा। अब यहां पर देखा जाए तो M naught square C square M naught square C की पावर 4 सॉरी एक दूसरे से कैंसिल हो गया। और थोड़ा देखते हैं कि जो सी स्केयर है इस सी स्केयर को नीचे ले आते हैं तो डिवाइड बाय सी स्केयर हो गया और इधर वाले सी स्केयर से ये कट गया। तो थोड़ा सा एक्सप्रेशन में आगे ले चलता हूं तो पी स्केयर हमारा आया कितना बेटा? क्यू स्केयर वी स्केयर बाय सी स्केयर प्लस आई थिंक 2QV एम नॉट। आपका ये एक्सप्रेशन बेटा आ चुका है। अब देखिएगा क्लियर बेटा, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? यस। ओके, अब देखिएगा मैं इस एक्सप्रेशन में कुछ कॉमन लेता हूं। मैं 2 कॉमन लेता हूं, मैं एम नॉट कॉमन लेता हूं, मैं Q कॉमन लेता हूं और मैं पोटेंशियल कॉमन लेता हूं। तो इस साइड से तो 1 आ गया बेटा प्लस क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर। बेटा वी है पोटेंशियल है, ये वी है पोटेंशियल है, वेलोसिटी मत समझ लेना बेटा। अपॉन सी स्क्वायर 2 एम नॉट क्यू वी। अरे यही तो आएगा बेटा कॉमन ले लोगे। अगर इस पूरी क्वांटिटी को आप कॉमन ले लोगे तो इस क्वांटिटी की जगह तो 1 बच गया प्लस this thing divided by this whole quantity। I think बेटा आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। क्लियर बताओ बेटा, यहां तक समझ में आया आपको? बोलिए। यस सर। ओके, अब बेटा जो कटता है उसको काट दो। v से v कट गया, एक q से एक q कट गया और तो मेरे ख्याल से कुछ कटा नहीं है। तो p square आपका फाइनली बेटा आ गया 2 एम नॉट क्यू वी 1 प्लस क्यू वी बाई 2 एम नॉट सी स्क्वायर। देखिएगा बेटा शायद आपको ये चीज समझ में आ गई। बताओ तो रिलेटिविस्टिक केस के अंदर बेटा आपने मोमेंटम का स्क्वायर निकाल दिया। तो अगर मोमेंटम निकालना है तो हम इसका क्या ले ले बेटा? रूट ले ले तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। नोट करो बेटा यहां तक अच्छे से। बताओ नोट करते ही हो गया सर? हो गया। तो बेटा पी स्क्वायर फाइनली हमारा बहुत अच्छे से आ चुका है कितना? 2 एम नॉट, बोलो बेटा कितना है? 2 एम नॉट क्यू वी 1 प्लस क्यू वी बाई 2 एम नॉट सी स्क्वायर। तो यहां से हमारा मोमेंटम आ गया। तो बेटा कहां पर है भी? कहां पर क्या गड़बड़ हो गई बेटा? बोलो मुस्कान कुछ बोल रहे हैं?
सही है आई थिंक मेरे हिसाब से. ओके सर. टू एम नॉट क्यूवी वन प्लस क्यूवी अपॉन टू एम नॉट सिस. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मोमेंटम. क्या बेटा? और देखो याद करो हमने जो है क्यूवी किसको पुट किया था बेटा? काइनेटिक एनर्जी को ना. अरे क्यूवी किसको पुट किया था? काइनेटिक एनर्जी को. इस फॉर्मूले का वैसे भी लिख सकते हैं टू एम नॉट काइनेटिक एनर्जी वन प्लस काइनेटिक एनर्जी अपॉन टू एम नॉट सी स्क्वायर. क्लियर बेटा? क्योंकि क्यूवी को ही तो हमने काइनेटिक एनर्जी पुट किया था बेटा. तो रिलेटिविस्टिक केस में आपका फॉर्मूला ये हो जाएगा. वो फॉर्मूला बेटा नहीं रहेगा जो काइनेटिक का पहले लिखा था हमने, वरना क्वेश्चन पूरा का क्वेश्चन गलत हो जाएगा बेटा अगर आप वो कराओगे. इसका मतलब लैम्डा आपका क्या आ गया बेटा रिलेटिविस्टिक में? तो लैम्डा इज एच बाई अंडर द रूट टू एम नोट क्यूवी v is the potential 1 plus qv upon 2 m naught cis ya fir lambda is equal to h upon under root 2 m naught qv ko kya likha hai beta humne kinetic energy bracket start अंडररूट बना दिया मैंने गलती से वन प्लस लगा दो ना काइनेटिक एनर्जी अपॉन टू एम नॉट सिस. ब्यूटीफुल सा एक्सप्रेशन आपने निकाल दिया और मैं कहता हूं ये एक्सप्रेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे. तो इस एक्सप्रेशन को मैं एक ब्रैकेट में बंद कर दूंगा. नोट कीजिएगा बेटा. नोट कर ले इस पेज पर. हो गया बेटा? यस सर. ओके. तो काफी अपने आप में एक अच्छा एक्सप्रेशन है बेटा. अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको और बताना चाहता हूं. देखो ध्यान से सुनना बेटा. एक बात कही मैंने रिलेटिविस्टिक. अब देखो बेटा नॉन रिलेटिविस्टिक केस क्या है? सुनना इसको पहले फिर अच्छा लगेगा. जब मैंने कही कि पार्टिकल की वेलोसिटी छोटी रहे सी से एक तो कंडीशन ये दे दी. एक कंडीशन बेटा मैं ये भी देता हूं कि जो काइनेटिक एनर्जी निकल कर आए पार्टिकल की वो बहुत छोटी रहे रेस्ट मास के कंपैरिजन, या फिर जो क्यू इंटू वी है वो बहुत छोटा रहे रेस्ट मास के कंपैरिजन. तो ये होता है नॉन रिलेटिविस्टिक केस. तीन बात बताई बेटा मैंने. क्या तो आप वेलोसिटी की टर्म में याद कर लो, वेलोसिटी पार्टिकल की कम रहे एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट, या आप काइनेटिक एनर्जी की टर्म में याद कर लो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बहुत कम रहे एज कंपेयर टू द रेस्ट मास, या ये कह दो कि क्यू इन टू वी आपका छोटा रहे रेस्ट मास, तो वो नॉन रिलेटिविस्टिक केस बन जाता है. तो बेटा आप मुझे एक बात बताओ, अगर काइनेटिक एनर्जी बहुत बहुत छोटी है एम नॉट सी स्क्वायर से, तो बेटा क्या काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय एम नॉट सी स्क्वायर इवन ट्वाइस ऑफ एम नॉट सी स्क्वायर क्या एक से छोटा नहीं हो गया बेटा? बोलो. ट्वाइस में मत लगाओ, एम नॉट ही रख लो. क्या ये एक से छोटा नहीं हो गया? बोलो बेटा. यस सर. क्या मैं यहां पर बात करूं कि क्यूवी अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर ये भी एक से छोटा हो गया? और बेटा अगर ये दोनों एक से छोटे हो गए तो मेरा लैम्डा का एक्सप्रेशन देखना एच अपॉन अंडर द रूट
हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप तक बेटा? यस सर। सो मैंने कहा कि नॉन रिलेटिविस्टिक का मतलब क्या बताया मैंने, तीन मतलब बताए कि आइदर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल छोटी हो सी से, या काइनेटिक एनर्जी आपकी छोटी हो रेस्ट मास एनर्जी से, या बेटा क्यू इंटू वी विच द पोटेंशियल हेयर इज लेस देन आपकी रेस्ट मास एनर्जी से, तो वो नॉन रिलेटिविस्टिक केस हो जाता है। मतलब हमारा काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय एम नॉट सी स्क्वायर की वैल्यू एक से छोटी हो, या फिर Q into V द पोटेंशियल एम नॉट सी स्क्वायर आपका एक से छोटा, तो आपका नॉन रिलेटिविस्टिक केस हो जाता है। अगर ऐसा होगा तो आप अभी अभी एक लैम्डा का एक्सप्रेशन निकाल कर लेकर आए थे, एच अपॉन अंडर रूट टू एम क्यू वी वन प्लस क्यू वी बाई टू एम नॉट सी स्क्वायर, अभी अभी ये एक्सप्रेशन आपने निकाला। तो ये चीज कितनी होगी बेटा, ये पूरी चीज क्या पूरा ब्रैकेट ये वन नहीं हो गया? बोलो बेटा। अरे वन प्लस समथिंग है और समथिंग एक से बहुत छोटा है तो उसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो, तो ये एक्सप्रेशन कितना बढ़ गया? और ये रिलेटिविस्टिक केस था। हाँ, मैं रिलेटिविस्टिक केस के अंदर ही उस केस को कन्वर्ट करके दिखा रहा हूं नॉन रिलेटिविस्टिक केस में। आप ये देखो बेटा मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि नॉन रिलेटिविस्टिक केस में ये तीन कंडीशन वैलिड रहेंगे। तो मैं एक रिलेटिविस्टिक वाला केस उठाता हूं और देखता हूं कि क्या वही एक्सप्रेशन निकलता है जो मेरा नॉन रिलेटिविस्टिक में निकलता था। तो मैंने रिलेटिविस्टिक का केस उठाया और उसमें मैंने ये कंडीशन पुट की, क्या बेटा, कि QV की वैल्यू आपकी एम नॉट सी स्क्वायर से छोटी, तो आपका एक्सप्रेशन कितना आएगा, एच अपॉन टू एम क्यू वी आर। और बेटा यही एक्सप्रेशन तो आपका नॉन रिलेटिविस्टिक में आया था, बताओ आया था नहीं आया था बेटा? क्या यही एक्सप्रेशन आपका नॉन रिलेटिविस्टिक में आया था या नहीं आया था, ये बताइए बेटा मेरे को। यस सर। तो इसका मतलब हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। या दूसरा, मैं एक बार काइनेटिक एनर्जी वाले एक्सप्रेशन को उठाकर देखो, क्योंकि बेटा रिलेटिविस्टिक जो केस है ना वो तो जर्नल केस है। अब उस केस से हमने नॉन रिलेटिविस्टिक की कंडीशन रखी, तो बेटा ये देखना था कि क्या केस नॉन रिलेटिविस्टिक में कन्वर्ट होता है या नहीं होता है ना। तो अब देखिएगा बेटा दूसरा फॉर्मूला, लैम्डा की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि एच अपॉन अंडर रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी ब्रैकेट में वन प्लस काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय एम नॉट सी स्क्वायर, ये आपका एक्सप्रेशन आया। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बाय एम नॉट स्क्वायर एक से कम होगा, मतलब वन प्लस समथिंग आपका वन के बराबर ही आएगा। तो क्या ये एक्सप्रेशन भी आपका वही एक्सप्रेशन नहीं बन गया, टू एम काइनेटिक एनर्जी? क्या नॉन रिलेटिविस्टिक जैसा केस बना नहीं बना बेटा, बोलो। तो बेटा रिलेटिविस्टिक केस एक जर्नल केस है, उस जर्नल केस में अगर आप नॉन रिलेटिविस्टिक वाली कंडीशन पुट कर दोगे तो आपके नॉन रिलेटिविस्टिक के रिजल्ट आ जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? अगर आप रिलेटिविस्टिक वाले में नॉन रिलेटिविस्टिक का क्राइटेरिया रख दोगे तो रिलेटिविस्टिक नॉन रिलेटिविस्टिक के केस आपके आने चाहिए और वही आपके आ रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। इसका मतलब हमने जो रिलेटिविस्टिक में फॉर्मूले ड्राइव करे हैं ये फॉर्मूले हमारे बिल्कुल ही बेटा सही हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ गई बेटा, बोलिएगा। यस सर। अब बात को मैं आगे बढ़ा दूं बेटा, अगर आपका नोट हो गया हो तो मैं थोड़ा आगे प्रोसीड करता हूं। चले बेटा। यस सर। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं वो ध्यान से सुनो बेटा। मैंने ये कहा कि कोई भी पार्टिकल जो है वो बिहेव करेगा एज ए वेव अकॉर्डिंग टू द डी ब्रॉगली, लेकिन बेटा
क्या जब मैं चलता हूं तो क्या मैं वेव की तरह दिखता हूं क्या आपको? अरे जब मैं आपके सामने चलता हूं तो क्या मैं एक वेव की तरह चल रहा हूं क्या? या मैं एक नॉर्मल एक पार्टिकल जिस तरीके से चलता है उस तरीके से चल रहा हूं? बताना बेटा, मैं जब चलता हूं या आप जब चलते हो पार्टिकल की तरह से चलता हूं, मतलब आपका मोशन पार्टिकल जैसा दिखता है। लेकिन डी ब्रोगली साहब तो ये कहते हैं कि हर एक पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करती है। डी ब्रोगली की भी बात सही है और मेरी भी बात सही है, हर एक पार्टिकल वेव की तरह जरूर बिहेव करता है, लेकिन जरूरी नहीं कि जो वो वेव की तरह बिहेव कर रहा हो तो वो वेव मोशन हमें दिखे। जरूरी नहीं कि वो वेव मोशन हमें दिखे, हो सकता है कि वेवलेंथ इतनी छोटी हो कि पार्टिकल का वेव मोशन ना दिखे और सिर्फ पार्टिकल नेचर दिखे। इसीलिए तो बेटा ड्यूल नेचर आया कि एक पार्टिकल में दोनों प्रकार का मोशन होता है, दोनों प्रकार से बिहेव करती है, वो पार्टिकल की तरह भी और एक वेव की तरह भी। अब हो सकता है अगर वेव नेचर दिखने लग जाए तो वेव मान लेंगे और पार्टिकल नेचर दिखने लग जाए तो पार्टिकल की तरह मान लेंगे। तो बेटा डिटेक्ट कैसे होगा कि ये हमें वेव की तरह दिखेगा ये पार्टिकल और ये हमें पार्टिकल की तरह दिखेगा, ये डिटेक्शन कैसे होगी? तो उस डिटेक्शन के लिए भी मैं आगे आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा। मैं दोबारा बात बताना चाह रहा हूं, मैंने कहा डी ब्रोगली ने कहा कि पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करता है, तो क्या हमें वो वेव दिखती है? अब क्वेश्चन में आंसर आपका ये भी आना चाहिए, कई बार दिखती भी है और नहीं भी दिखती, डिपेंड करती है कि आपका पार्टिकल कैसा है। एक बॉल फेंकते हो आप तो वो भी पार्टिकल, गाड़ी चल रही है वो भी पार्टिकल की तरह चल रही है, और जब हम इंटरफेरेंस वगैरह पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन वगैरह का तो वहां पर वेव नेचर शो होता है, तो दोनों ही बातें हैं। तो बेटा वो वेव नेचर जो किसी पार्टिकल का है उसको डिटेक्ट कैसे करें कि यस दिस पार्टिकल इज एग्जैक्टली बिहेव लाइक ए वेव? हाउ वी डिटेक्ट कि ये पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कर रही है या नहीं कर रही? तो अगला मेरा टॉपिक यही है, डिटेक्शन ऑफ वेव नेचर ऑफ ए मटीरियल पार्टिकल ऑफ ए मटीरियल पार्टिकल हाउ वी डिटेक्ट कि एक पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करता है, कैसे डिटेक्ट करें? तरीका बेटा, आप उसकी लैम्डा डी ब्रोगली निकाल। अगर लैम्डा डी ब्रोगली उस पार्टिकल के साइज के बराबर आती है या उसके साइज से बड़ी आती है, पार्टिकल के साइज के बराबर या पार्टिकल के साइज के बड़ी आती है, तो वो जो पार्टिकल होगा बेटा, दिस पार्टिकल, इस तरीके से मत करो, तो दिस पार्टिकल शो ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर मतलब दैट इज बिहेव एज पार्टिकल एज वेल एज वेव और अगर डी ब्रोगली आपकी साइज से छोटी आती, साइज मान लो पार्टिकल का इतना है और डी ब्रोगली उससे कम आ जाती, कैलकुलेशन निकालते हो तो बेटा इट शो पार्टिकल नेचर, तो पार्टिकल नेचर शो करे। अब हमारे केस में जब मैं मेरी डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालूं तो वो इतनी छोटी आ जाती है कि मेरे साइज से बहुत छोटी आ जाती है, इसलिए मैं पार्टिकल नेचर शो करता हूं। जब एक इलेक्ट्रॉन के केस में निकालते हैं तो वो उसके कंपैरिजन में आ जाती है साइज के, इसलिए वो ड्यूल नेचर शो करता है। क्लियर? तो ये दो पॉइंट पहले नोट कर लो, अब मैं कुछ न्यूमेरिकल से आपको ये चीजें समझाऊंगा। तो पहले आप ये नोट कीजिएगा, फिर मैं आगे प्रोसेस करूंगा। क्लियर बेटा, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? यस सर। मैं आगे चलूंगा।
मैं दूसरा लिंक भेजता हूँ बेटा, अभी मेरे पास इतना समय नहीं है इस लिंक में, मैं नेक्स्ट लिंक भेजता हूँ फिर करता हूँ।